नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम में और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की गर्माती हुई सियासत के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और इस वक्त वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दावे यहाँ पर अनेक किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर जो फैसले ले रहे हैं उन फैसलों से हटकर यहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए हैं। बात करेंगे यहां पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में, जो इस वक्त आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर हुंकार भर रहे हैं। दावे अनेक किए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट के साथ मनसे गठबंधन कर सकती है या फिर बीजेपी के साथ मैदान में उतर सकती है बीएमसी चुनाव के लिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी के साथ कि उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे हाल ही में जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की गई है राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मनसे के प्रवक्ता संदीप मनसे ने शिंदे गुट और बीजेपी के साथ गठबंधन होने की चर्चा पर साफ तौर पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने यहां पर मनसे मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन में 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। राज ठाकरे के आदेश के मुताबिक सामने आया है कि आगामी सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव अपने ही दम पर लड़ेगी और दूसरी ही तरफ संदीप पांडे ने कह दिया है कि मनसे मुंबई थाड़े, नवी मुंबई पुणे, पिंपरी, चिंचवड़, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद के साथ साथ राज्य के सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और विदर्भ दौरे पर जाने वाले हैं राज ठाकरे। ऐसे में देखा जाए राज ठाकरे ने अनाउंसमेंट कर दी है कि अब वह जल्द ही विदर्भ दौरे पर जाएंगे और साथ ही साथ यहां पर अब राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे न्यूज़ रूम से यहाँ पर हमारे कुछ सहयोगियों से उनकी राय कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या राज ठाकरे ने जो फैसला लिया है वाकई में उन्होंने उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला लिया है, बीजेपी के साथ वह मैदान में नहीं उतरने वाले हैं और साथ ही साथ शिंदे गुट के समर्थन में भी वह नजर नहीं आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक से हम जानना चाहेंगे, दीपक, जो फैसला लिया गया है इस वक्त राज ठाकरे की तरफ से कि वह अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका कोई गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होने वाला है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या उद्धव के समर्थन में उनका ये फैसला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि राज ठाकरे की इंटेंशन क्या है, क्योंकि बाला साहब की अगर बात करें तो वो कभी ज़्यादा किसी के समर्थन में जाते नहीं थे, बीजेपी का समर्थन रखते थे क्योंकि बीजेपी उस समय कमज़ोर पार्टी थी और उनका हाथ पकड़ के आगे लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो हिंदुत्व को लेकर बात छेड़ते हैं उसमें बीजेपी उनकी मदद करेगी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया तो वहीं पर बाला साहब ठाकरे के विचार खत्म होते नजर आए। लेकिन इस बीच अगर आप राज ठाकरे की बात कर रहे हैं तो राज ठाकरे यहाँ पर जो बातें करते हैं, जो उनका रुतबा है, वो एक अकेला ही नज़र आता है। अगर जब उन्होंने शिवसेना से विदाई ली थी तो उनके पास भी ऑप्शन थे, बीजेपी में जा सकते थे, सपा में जा सकते थे, प्रहार जनशक्ति पार्टी में जा सकते थे, या फिर यहाँ पर कहें तो उनके साथ कहीं ना कहीं अलग विधायकों का भी। लेकिन दीपक, जो एग्जिट पोल रखे गए थे उसमें देखने को मिला था कि राज ठाकरे अगर शिवसेना की तरफ रुख करते हैं, शर्मिला ठाकरे का बयान आपको याद ही होगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऑफर मिलता है तो वह उद्धव की तरफ रुख करना चाहेंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि शिवसेना की कमान उनको मिल सकती है? बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे उद्धव के समर्थन में उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले चुनाव शिवसेना जिस तरीके से यहां पर दावा करती हुई नजर आई है कि आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी? देखिए, आप शिवसेना के अगर मालिक की बात कर रहे हैं, कमान देने की बात कर रहे हैं, तो उद्धव और शिंदे पहले से कोर्ट में ये फैसला अभी होना बाकी है और 5 जज इस पर फैसला ले रहे हैं, तो इस बीच राज ठाकरे भी आ जाए तो यानी कि एक पार्टी और 3 दावेदार देखने को मिलेंगे। लेकिन बीएमसी चुनाव इस वजह से खास था कि पहले शिंदे को साथ रखकर बीजेपी ने जो क्षेत्रीय दल पर उनका वोट बैंक था वो बटोर लिया और जो शिवसेना के दम पर ठाकरे परिवार का वोट बैंक था वो साधने की कोशिश थी राज ठाकरे के जरिए, क्योंकि राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को हर कोई याद करता है। लेकिन ये ना भूले कि औरंगाबाद रैली ही सब कुछ नहीं थी, महाराष्ट्र की जनता आज भी बीजेपी को समर्थन देती, इसी वजह से 2019 में जो जनादेश था वो शिवसेना और बीजेपी को मिला था और 106 सीटें गई थी बीजेपी के पास। अब राज ठाकरे की जब बात आती है तो राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव को समर्थन ही नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके
खिलाफ भी कुछ नहीं बोलता। आपने कभी भी देखा हो जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था तो नाम लेकर उन्होंने कुछ बातें नहीं कही थी। वो शर्मिला ने जो बातें रखी, अगर शिवसेना यानी मातोश्री से पहल की जाएगी तो हम भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो वही सारी बातें घुमा फिरा कर यही आती कि राज ठाकरे अकेले के नेतृत्व की सोच रहे, अगर सरकार बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो अकेले ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो धोखा मिला है, जो बगावत उन्होंने करी थी, वो शायद वो ऐतिहासिक तौर पर दोबारा नहीं दोहराना चाहते। जैसा कि दीपक ने कहा कि इस वक्त राज ठाकरे ने जो फैसला लिया है वो फैसला इस वजह से लिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ तो वह उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राज ठाकरे ने यहाँ पर जो फैसला लिया है उस फैसले पर यहाँ पर हमारे दूसरे सहयोगी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कशिश के बारे में। कशिश, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? बीते पिछले महीनों पर गौर किया जाए जब वह उद्धव ठाकरे के खिलाफ उतरे थे, लेकिन आज वह जो फैसला ले रहे हैं तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अकेले अपने दम पर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने ऐलान तो किया कि एकला चलो रे का वो लगातार ऐलान करते नजर आया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खुद के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना को लेकर लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे की यहाँ पर शिवसेना होती है तो कहीं ना कहीं इससे फायदा यहाँ पर राज ठाकरे को भी हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे हैं। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर अपनी राय रखी है, जानना चाहेंगे कि आगामी बीएमसी चुनाव में आखिरकार आपको किसकी जीत पक्की लगती है? देखिए, अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है तो अभी साफ तौर पे तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे अगर अपने कार्यकर्ताओं को उतारते हैं या फिर और भी लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो वर्चस्व था एक समय पर वो अब नहीं है, तो इसलिए अगर उनको देख कर ये कहा जाए कि वो जीतेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इस वक्त। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर अब अपनी राय रखी है कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव में आखिरकार क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव अक्टूबर के महीने में होने वाले थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है साल 2023 में बीएमसी चुनाव होंगे। तारीख अभी तक फिक्स नहीं की गई है, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव है, तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में आशीष सेलार और उनकी टीम अब नियुक्त कर दी गई है, और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं उसको देखते हुए अब यहां पर राज ठाकरे भी अहम फैसला ले रहे हैं। अमित ठाकरे और राज ठाकरे ने युवा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, और ऐसे में देखा जाए तो शिंदे गुट से वह जुड़कर भी काम करते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन अमित ठाकरे ने और राज ठाकरे ने साफ तौर पर बयान दे दिया है। नागपुर दौरे को लेकर राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि फिलहाल तो डिब्बों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे यहां पर अकेले मैदान में करने वाले हैं। एग्जिट पोल पर गौर किया जाए तो राज ठाकरे के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा यहां पर वोट देखने को मिले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राज ठाकरे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं बीएमसी चुनाव में, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। क्या उद्धव के समर्थन में राज ने यह फैसला लिया है, आपको क्या लगता है? अगर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना की सरकार अगले आने वाले समय में होगी, तो आपकी क्या राय है? क्या वाकई में महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना की ही सरकार बननी चाहिए या फिर बीजेपी की, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।